राजधानी देहरादून के लगभग 6,000 छोटे बड़े प्रतिष्ठानों को नगर निगम ने इस वित्त वर्ष में नोटिस जारी किए हैं, जिसको लेकर नगर निगम कर अधीक्षक धर्मेंद्र पैन्यूली ने बताया कि पिछले वर्ष की अगर बात करें तो नगर निगम ने 60 करोड़ रुपए कर वसूली का टारगेट रखा था। इस बार 60 करोड़ से थोड़ा ज्यादा का टारगेट नगर निगम ने रखा है। अगर अभी की बात करें तो सभी छोटे बड़े प्रतिष्ठानों से 30 करोड़ रुपए का कर वसूली जा चुका है। उन्होंने कहा कि लगभग 6,000 छोटे बड़े प्रतिष्ठानों को नोटिस नगर निगम ने भेज दिए हैं। इसके अलावा डिफॉल्टर्स की सूची को भी तैयार किया जा रहा है, जिनको भी उनको भी जल्द ही नोटिस जारी किए जाएंगे। इसके आगे धर्मेंद्र पैन्यूली ने बताया कि लगभग 50% कर की वसूली हो चुकी है और जो बकाया बकायेदारों पर बचा है उसको नगर निगम की निरंतर कोशिश है कि जल्द वसूला जाएगा। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। लास्ट ईयर जो हमारा टारगेट था, टारगेट के साथ इसमें लगभग तकरीबन 60 करोड़ रुपए की वसूली हुई थी और इसी क्रम में इस साल जो हमने इसको टारगेट को थोड़ा सा इंक्रीज करने का वो किया हुआ है और जिसके क्रम में अभी तक हमको नगर निगम को 30 करोड़ रुपए के राजस्व की प्राप्ति हो चुकी है और इसी क्रम में जो अभी हमारे कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट है जिनसे लगभग हमें 35 से 40 करोड़ रुपये सालाना इनकम होती है, उन सभी को जो है यहाँ पे से बिल जा चुके हैं। लगभग 6 से 7 हज़ार करीबन प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जिनको नगर निगम द्वारा बिल प्रेषित किए जा चुके हैं और डिफॉल्टर की सूची भी तैयार की जा रही है, जल्द ही इन लोगों को भी नोटिस जारी किए जाएंगे। अभी तक जो इस वित्तीय वर्ष में हमने लगभग 6 से 7 हज़ार जो हमारे कमर्शियल प्रॉपर्टीज है उन सभी को हमने बिल प्रेषित किए जा चुके हैं और निर्धारित अवधि में इन सभी का टैक्स जो है जमा कराने का पूरा प्रयास किया जाएगा। इनसे अभी अभी हम मान के चल रहे कि लगभग हमारा 50% के लगभग अभी वसूली हो चुकी है हमारी और अभी जो बाकी जो टारगेट के सापेक्ष जो रह गया है उसमें भी हम वसूली के प्रयास अभी तेज करने जा रहे हैं।